पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम कार्यकारिणी की बोर्ड की बैठक में 2020 और 21 के लिए 3,44,15,00,000 रुपए का बजट पास हो गया। निगम के आय के बराबर ही सदस्यों ने शहर के विकास कार्यों के लिए ध्वनिमत से बजट पारित किया है। साल में 45,90,00,000 रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। 2 करोड़ से नालियों की सफाई की जाएगी। इसमें पार्षदों के खेलकूद सामग्री खरीद से लेकर एक्सपोजर विजिट के लिए 15,00,000 बजट दिया गया है। कैंप कार्यालय में मेयर विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में पटल पर नगर निगम की आय और व्यय के साथ आगामी वित्तीय वर्ष का बजट रखा गया। कार्यकारिणी सदस्यों ने प्रस्तावित बजट पर कुछ संशोधनों के साथ चर्चा की। सड़कों के निर्माण और नालियों की सफाई का मुद्दा छाया रहा। पिछले साल 1 करोड़ नालियों पर खर्च हुए। बैठक में प्रशासनिक व्यय में टेलीफोन, पुस्तकालय, स्टेशनरी, कार्यालय सामग्री, वाहन किराया, पार्षद यात्रा भत्ता, ऑडिट फीस, व्यय, प्रचार प्रसार, विद्यालयों के रखरखाव समेत चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए बजट रखा गया। सुरक्षा के मुद्दे पर बहस हुई। कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि निगम में 36 होमगार्ड सुरक्षा पर लगे हैं। इनके वेतन और सुरक्षा के लिए 1,25,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आज जो है 3,44,00,000 का बजट नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पारित किया गया है, विभिन्न संशोधनों के साथ, जिसके अंदर पूरा हमने नगर के विकास को मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। सड़कों का अनुरक्षण, पेयजल, पथ प्रकाश, पार्कों के लिए और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज सर्वसम्मति से बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद इसको आज पारित कर दिया है।